वेलकम टू जीरो फुटेज यूट्यूब चैनल। क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आज से शुरू हो रहा है वॉलीबॉल टूर्नामेंट प्राची सोमनाथ में, जो जीरो फुटेज चैनल पे लाइव दिखाया जाएगा। आज रात से लगातार 5 नाइट तक खेला जाएगा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट। 8 बजे से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगा, सभी मैच लाइव दिखाए जाएंगे, बहुत ही अद्भुत आपको देखने को मजा आएगा। उससे पहले अभी बात करते हैं कल का मैच खेला गया चेन्नई वर्सेस आरसीबी के बीच, जो ऑलवेज एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले होते हैं चेन्नई एंड आरसीबी के। कल का मुकाबला भी ऐसा ही हुआ। 3 गलती जो आरसीबी ने की वो नहीं करना चाहिए थी, कौन सी ऐसी गलती है हम ये वीडियो में बात करेंगे, कल के मैच का पूरा रिव्यू भी ये वीडियो में जानेंगे। तो आरसीबी ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो अक्सर मैदान पे सभी टीमें ऐसा करते हैं लेकिन मैच नहीं जीत पाती है। तो सबसे पहला मुझे ये गलती पहले यही लग रही है कि गेंदबाजी का फैसला नहीं करना चाहिए था, बल्लेबाजी का फैसला करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है 200 रन तो इजीली ये पिच पे बनने वाले ही है। अगर अच्छी बैटिंग हो गई 250 तक भी आप जा सकते हो, पिच ऐसी है। मी सीट भी सिक्स लग रही थी, शिवम दुबे ने भी 26 गेंदों में 52 रन बना लिए, शिवम दुबे ने, समझो बात को। तो पहली गलती की फील्डिंग की जगह उसको बल्लेबाजी चूज करनी चाहिए थी, 230-40 का टारगेट रखना चाहिए था, फिर चेन्नई के बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर आता। हालांकि गेंदबाजी मोहम्मद सिराज क्या गेंदबाज बन के आ रहे हैं, ओडीआई में भी नंबर वन है। कल सभी गेंदबाजों को 12 की तकरीबन रन रेट से मार पड़ रही थी, वहां पे मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए एंड 1 विकेट लिया ऋतुराज गायकवाड़ का। ट्रिमेंडस गेंदबाजी उसकी बदौलत ही पहले 6 ओवर में सिर्फ 53 रन बना पाई थी चेन्नई। उसके बाद लाजवाब बल्लेबाजी हुई, ऋतुराज के आउट होने के बाद रहाणे आए, रहाणे एंड कोनवे ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे कि पूछो ही मत, लाजवाब शॉट, अमेजिंग, देखने लायक मैच था, देखने लायक बल्लेबाजी भी थी। उसके बाद आए शिवम दुबे, शिवम दुबे ने भी लाजवाब बल्लेबाजी की कल। हालांकि हमने पिछले 2-3 वीडियो में बताया था कि शिवम दुबे अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे, लेकिन आज सभी कसर उसने पूरी कर दी। एक शॉट जो शिवम दुबे ऐसे कर रहे थे वैसे लगाया था, वो उसने मुझे युवराज की याद दिला दी एंड वो सिक्सर की ओर ही गया था एंड उसने 26 गेंदों में 52 रन बनाए। कोनवे ने 83 रन के पारी खेली सिर्फ 45 गेंदों में और बाकी आज रस्सी-कस्सी जो थी वो मोइन अली और जडेजा ने आके पूरी कर दी। धोनी के साथ सिर्फ 1 ही गेंद आई और उसमें उसने 1 रन बनाया। हालांकि फैंस धोनी को देखने के लिए कहां कहां से आ रहे हैं, मतलब हम स्टेडियम में देख रहे थे, न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, कोई कहीं ओवर से आ रहा है, कोई पोस्ट लग रहा है कि मैंने मेरी बाइक सेल कर दी धोनी को देखने के लिए, तो धोनी को ऊपर आना चाहिए था। राइडू ने भी 6 गेंदों में 14 रन बनाए, राइडू की जगह धोनी को आके 2-3 छक्के लगाने चाहिए थे, उससे क्या होता है फैंस भी खुश हो जाते हैं। लेकिन 226 रन बनाए। दूसरी गलती आरसीबी ने वो की हसरंगा के 4 ओवर ही फिनिश नहीं कराए। आपके मेन स्पिनर है मैक्सवेल खुद 2.5 ओवर डाल रहा है और वो हसरंगा के ओवर पूरे नहीं करा रहा है भाई, तो कैसे चलेगा? 4 ओवर हसरंगा डिजर्व करते थे, गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे हसरंगा को 4 ओवर मिलने ही चाहिए थे, वहां पे आरसीबी ने दूसरी गलती कर दी। हर्षल पटेल लास्ट ओवर में 2 फुल टॉस, मैंने पहले ही बोला था हर्षल पटेल का शायद ये लास्ट आईपीएल है, शायद अगले आईपीएल में देखने को मिल जाए, लेकिन उसका करियर खत्म है, वो बॉलर डिजर्व ही नहीं करते हैं आरसीबी की टीम में। अभी बात करते हैं बल्लेबाजी की। विराट कोहली मानो पहली गेंद से ही हर एक गेंद पे छक्के लगाना चाहते थे, आगे पहली गेंद पे चौका लगाया, पहली गेंद डूट गई, दूसरी गेंद पे चौका लगाया, तीसरी गेंद सेम आगे आके खेलने गए और बोल्ड आउट हो गए। मैक्सवेल और फार डुप्लेसिस जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे उसे विराट कोहली को सीखना चाहिए कि कैसे बल्लेबाजी की जाती है। 226 का लक्ष्य है लेकिन हर एक गेंद पे आके उठाने की जरूरत नहीं, पिच ऐसी है आपको मदद करती ही, अगर टिके रहते तो आप आसानी से ये लक्ष्य पूरा कर सकते थे। चेन्नई ने गेंदबाजी में अच्छी की लेकिन फील्डिंग में बहुत ही मिस किए है कैसेस, 4 से 5 कैसेस है, लल्लू कैच थे जो छोड़ दिए, एकदम इजी कैच थे वो छोड़ दिए, लेकिन बल्लेबाजी देखने लायक थी फाफ डुप्लेसिस इंग्लैंड मैक्सवेल की। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि आसानी से आरसीबी में जीत जाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जो ऊपर आकाश को छू के जो कैच आ रही थी वो दोनों ही कैच अच्छी ली, ड्रॉप हो सकती थी लेकिन धोनी है भाई साहब वो ड्रॉप नहीं करते हैं, 2 कैच
अच्छे लिए धोनी ने, वहां से ही मैच पलट गया। तीसरी गलती ये कि दिनेश कार्तिक को आगे भेजना चाहिए था, वो नहीं भेजा। कार्तिक ने 14 गेंदों में 28 रन बनाए, वो आगे आए होते तो कुछ अपनी टीम के लिए कर पाते, लेकिन वो भी नहीं भेजा। जल्दी रन बनाने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ये आसानी से लक्ष्य पूरा कर देगी, लेकिन वो हुआ नहीं। तकरीबन 10 के नीचे भी रन रेट एक समय पे आ गई थी, और ऐसे पिच पे 10 के नीचे रन रेट यानी बल्लेबाजी टीम हावी है, लेकिन रेगुलर विकेट खोने की वजह से आरसीबी ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। आखिरी ओवर पे चाहिए थे जीतने के लिए कुछ 18 के रन, और 10 रन ही बना पाए, 8 रन से ये मैच चेन्नई ने जीत लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, देखने लायक मैच था। अभी देखा नहीं तो जियो सिनेमा ऐप में जाकर आप हाईलाइट देख लो। ऑलवेज धोनी कोहली पे भारी पड़े हैं, पिछले भी पड़े थे, अभी भी पड़े हैं। आने वाले समय में पता नहीं धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन आज तो धोनी कोहली पे भारी पड़े थे। चेन्नई आरसीबी का ये आईपीएल में ये एक ही मुकाबला होने वाला था, मुझे नहीं लगता आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। तो अभी चेन्नई और आरसीबी का मैच शायद ही हमें देखने को ना मिले। चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज 8 बजे से कबड्डी टूर्नामेंट लाइव होगी हमारे चैनल पे, उसको भी मिस मत, सॉरी वॉलीबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट होगी आज रात 8 बजे से, उसको भी मिस मत करना, बहुत ही मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। जय हिंद, जय भारत।